तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल आर्क मोबाइल। तो लास्ट और वीडियो में जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने किया था केव रन और हनी और सैप फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आज से हम लोग फिर टेमिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लेस्ट टू सोरस को टेम करेंगे जो कि यूजली डेली परसूट में आते हैं और बहुत पिछली बार मेरी उसकी वीडियो काफ़ी वायरल गई थी। यस, इस बार हम फिर से उसी को टेम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्मूथिंग बॉम और हमारे पास वेजिटेबल आ गए, हमारे पास आ गई बेरीज आ गई और हमारे पास आ गए रेयर मशरूम। इन सब चीज़ों की जरूरत, सॉरी रेयर फ्लावर खाते हैं। तो यस, मैं इनमें से जो कुछ मुझे मिलता है मैं वो सारा लेके पहुंचता हूँ सर 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड तो क्या, मैं अच्छी तरह ही खा लूँगा। तो ये बेसिकली आपको मिलते हैं ग्रास लैंड्स में और बीचेस पे आपको इजीली मिल जाते हैं। और मेरे पास थोड़े से कैरेट्स पड़ी हैं तो मुझे उनका तो ज़रूरत नहीं है, इनको रॉक फ्रूट भी बोलते हैं वैसे। और बेरीज मैंने यहाँ से उठा ली हैं। तो आपको बेसिकली स्मूथिंग बाम की ज़रूरत पड़ेगी, और स्मूथिंग बाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मगर इससे फास्ट हो जाता है काम। ओके, तो रास्ते में मुझे एक बीवर डैम मिला था तो मैंने वहाँ से फ्लावर ले लिया और ये 200 लेवल का मुझे एक मिल गया। तो इसको टेम करने के लिए आपने सिर्फ इसके पास जाना है, ये पैसिव टेम है, इसको आपने स्मूथिंग बॉम खिला देना और फिर रेयर फ्लावर या जो भी वेजिटेबल है तो ये टेम हो जाता है इजीली। और क्योंकि ये हाई लेवल का था फिर भी ये रेयर फ्लावर से आई थिंक बेस्ट टेम होता है, वेजिटेबल वगैरह से नहीं होता है ना। तो ये लो लेवल के इसको हम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है इसको टेम करने का। और अगर आप डेंजरस जगह पे हैं तो उसको उस तरह से भी एक टेम कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ दूसरा भी ढूंढ के, हो सकेगा तो कोई हाई लेवल का ही ढूंढ के। ओके, तो जाइए लोग, मुझे सेकंड मिल गया और इसको टेम करने के लिए मैं और ट्रिक बताऊंगा कि आस पास बहुत ज़्यादा रेप्टर्स और डिलोपसोरस और वो सब कुछ हों तो उस तरह कैसे टेम करना है। तो सबसे पहले आपको एक फ्लायर चाहिए होगा और आप इसको सिंपली इस तरह पीछे दे के स्मूथिंग बॉम खिला दें और फिर जो आपने खिलाना है वो खिला दें। तो ये इसी तरह टाइम हो जाता है। और मुझे इसको टाइम करते करते रात हो गई है तो लाइक कर दो यार इतनी मेहनत करने के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं वापस जाके, अब यहाँ से वापस जाना भी पड़ेगा। तो यस, अभी सुबह होने वाली है दोबारा से और मैं सबसे पहले इनको साइड पर लेके जाता हूँ और फिर इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी All you need to know about breeding in ARK, तो उसके हिसाब से मैं इनकी ब्रीडिंग कराऊंगा। वैसे अगर आप वो नहीं जा कर देखना चाहते तो मैं आपको इसी तरह आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो आप इनको ले आएँ अपने बे से थोड़ा दूर। वैसे दूर ना भी लाएँ तो अच्छी खैर है, कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं होता मगर ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फिर तो आप सिंपली इसको थोड़ा दूर लाएँगे और बहुत स्लो है तो मैं इनको दूर ले जा कर ही मिलता हूँ आप लोगों से 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो आपने इसको इनको बेस से दूर ला के यहाँ पर आके इनके इनेबल वॉन्टरिंग कर देनी है और इसके लिए इनको पास होना ज़रूरी है। और कितने पास होने चाहिए वो आप इनको स्टॉप करके चेक कर सकते हो कि फीमेल मेटिंग कर रही है कि नहीं कर रही, और यहाँ पर ये नहीं कर रही मतलब ये बहुत दूर है। तो इनको दोबारा से फॉलो करा लें और इनको इकट्ठा लें। तो अब बेस में मैं इसलिए ये काम नहीं करता क्योंकि बेस में फॉलो करेंगे तो आपके जो डाइनोज होंगे जो आपने इतनी मेहनत से सजा के रखे होंगे तो वो जगह से हिल जाएंगे। तो ये इसलिए इनको बेस से दूर लाते हैं, वैसे इनको बेस से दूर लाने का कोई और मकसद नहीं है। और आप इनके लिए एक ब्रीडिंग पैन भी बना सकते हैं तो वो भी मतलब कि हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है। तो मैं इनकी ब्रीडिंग करा के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर, अब बस इनको स्टॉप ही करते रहना है। तो जाएंगे लोग, इनकी ब्रीडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है 90% प्लस। तो अभी ये बहुत जल्दी अंडा लगा देतेगी और ये क्योंकि अंडा देते हैं तो हम उसको इनक्यूबेट भी करना होता है। और यूजुअली अर्ली गेम डाइनोज हीट पे ही इनक्यूबेट करते हैं और ये अंडा दे दिए तो ये इमोट है जिसमें ये दोनों इमोट करते हैं इसमें। तो यस, आप ईजिली इस अंडे को उठा सकते हैं और फिर इनका वॉन्टरिंग डिसेबल कर सकते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट 6 घंटे तक फिर से ब्रीड नहीं करेगी, ये होता है अगर आप किसी सर्वर पे खेल रहे हैं तो फिर वो सर्वर के हिसाब से होता है, नहीं तो सिंगल प्लेयर में आई थिंक 3 घंटे से लेके 6 घंटे के बीच का टाइम होता है जिसमें ये ब्रीड नहीं कर सकते और गेम प्ले टाइम होता है। तो जाइए लोग, इसका एग हैच करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप इसका कैंप फायर का यूज़ कर सकते हैं, आप इसका फायर प्लेस का यूज़ कर सकते हैं,
इवन कि ये हमारे यहाँ पे एयर कंडीशनर से भी इनक्यूबेट हो जाते हैं। तो यस, ये हर जगह से इनक्यूबेट हो जाते हैं। आप टॉर्चेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, अब जब तक ये इनक्यूबेट होते तब तक मैं यहीं पे बैठता हूँ, ये मेरे पास बेंच है, और जब ये इनक्यूबेट हो जाएगा मैं आप लोगों से तभी मिलता हूँ। ओके, तो जान लो ऑलमोस्ट ये एग हैच होने वाला है, सिर्फ 4 सेकेंड, और 3, 2, 1, और ये हैच हो गया। तो यस, ये बेबी निकला है। अगर आप ये परसूट के लिए कर रहे हैं तो बस इसी को आप क्लेम कर लें और आपका परसूट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसको इम्प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप वीडियो देख लें हमारी, जिसमें मैंने बताया है कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्रीडिंग इन आर्क। तो यस, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इनको इम्प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर नहीं करने वाला। और इसकी एबिलिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये करता क्या है। तो जाएँ लोग, इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो आपने सीधा इसके इन्वेंट्री में जाना है और फिर इसको पेट करना है। इससे लेवल अप बूस्ट देते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया है इसका, और ये कुछ भी नहीं करता एक्चुअल में। यस, मैं यहाँ पे बच्चे को भी इनके साथ ले आया हूँ। तो यस, ये एक रेडियस में बूस्ट देते हैं मगर अभी ये दे नहीं रहा, तो ये भी क्लिच हो गए। तो आर के इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और आई थिंक ये स्टैक भी नहीं होता इसका ये। तो बेसिकली ये एक यूज़लेस डाइनो है मेरी तरह से, अगर आप सही मानते हैं तो ये एक यूज़लेस डाइनो है, जिसको परसूट के अलावा और किसी चीज़ के लिए टेम नहीं करते, और शायद हाइट के लिए इसको मारते नहीं है, तो वो बात अलग है। तो इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो यस, आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो के अंदर, और आज की वीडियो इसलिए छोटी है क्योंकि मैं एक और वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और वो थोड़ी मुश्किल है। तो यस, उसमें थोड़ा सा होगा, तो यस आप उस वीडियो के लिए रखें थोड़ा सा टाइम। तो आज के लिए इतना ही, तो आपसे मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।